डियर स्टूडेंट्स, 5 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ जिसमें लॉजिक गेट्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देख सकते हो, मैंने पहले एक बार करवाया हुआ है लेकिन दोबारा करवा रहा हूँ, कुछ ने वो क्लास मिस की थी। जस्ट लुक अप दिस वन, थोड़ा सा रिवाइव कर लें क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन होता है। 5 मिनट देख लें, बेसिक क्लियर हो जाएगा। ये एंड गेट है, और गेट है, नॉट, जोर, ये दो इनपुट्स हैं, ये आउटपुट होती है। जिसको इनपुट्स को मैं ए और बी ले रहा हूँ, जैसे इनपुट ए और बी, ए और बी, इसमें एक ही इनपुट होती है ए और बी, और ये आउटपुट है सी, जिसको आप सी कह सकते हो, राइट, सी सी एंड सी। ये ट्रुथ टेबल होता है। ट्रुथ टेबल में हम कहते हैं कि इनपुट्स, अगर क्या क्या इनपुट्स हो सकते हैं जिसके रिगार्डिंग आप इनके आउटपुट चेक करोगे। अब इनपुट्स की पॉसिबिलिटीज जो रहती है, दे आर 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1, ठीक है। ये बेसिक रहता है इसका कि ये चार तरह की इनपुट्स हो सकती हैं। इन इनपुट्स के रिगार्डिंग क्या आउटपुट होगी, एंड का याद कर लो कि अगर दोनों इनपुट्स 1 1 होगी तभी आउटपुट 1 आएगी, वरना हमेशा 0 आएगी। तो अगर मैं एंड का ट्रुथ टेबल बनाऊं, तो एंड में हम कहते हैं इनपुट 0 0 हो तो भी 0, 0 1 हो तो भी 0, 1 0 0, सिर्फ 1 1 पे 1 आती है, दिस इज फॉर एंड, ठीक। ये एंड का आउटपुट हो जाएगी, दैट इज आउटपुट ऑफ एंड, ठीक है। मैं इसको मान के चल रहा हूँ ए बी, ये एंड की आउटपुट। इफ आई से दैट फॉर और का मतलब होता है कोई भी एक, कम से कम एक 1 होनी चाहिए, कम से कम एक 1, तो 1 आएगी आउटपुट। 0 0 पे 0, एक भी 1 है तो 1, एक भी 1 है तो 1, दोनों 1 है तो भी 1, दिस इज और, राइट। नॉट इज वेरी क्लियर, 0 होगी तो 1, 1 होगी तो 0, राइट। एक्सक्लूसिव और का मतलब होता है एग्जैक्टली एक ही 1 होना चाहिए, दोनों 1 पे नहीं आएगी आउटपुट, अगर एक ही 1 होगा तभी आउटपुट 1 आएगी। तो एक्सक्लूसिव और में 0 0 पे 0, एक 1 है बिल्कुल 1, एक 1 है तो 1, दोनों 1 है तो 0। तो ये टेबल तो आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है, फाइन। वंस यू रिमेंबर दिस टेबल, तो कई बार ये ग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। हम कहते हैं इनपुट ए और बी ये है, बताइए आउटपुट का ग्राफ क्या होगा। सिंपल मीनिंग है कि हम लेते हैं कि इनपुट 1 है, इधर भी इनपुट 1 है, आप देख सकते हो 0 स्टार, इधर भी इनपुट 1 है, 1 1। तो अगर मैं कहता हूँ एंड की ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो आपको कि 1 1 में आउटपुट 1 रहेगी, तो आप ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर देते हो, इट रिमेन्स 1 फ्रॉम हियर टू हियर। यहाँ इनपुट 0 हो गई ए की, बी की अभी भी 1 है, तो 0 1 पे हमें पता है एंड की जो आउटपुट होती है वो 0 होती है, तो हम इसको ग्राफ को ऐसे नीचे ले जाएंगे, लाइक दिस, फ्रॉम हियर टू हियर हम इसको नीचे चलाएंगे, लाइक दिस, हम कहेंगे जस्ट लाइक दिस, ठीक है। देन यू कैन सी दैट, फिर इनपुट 1 हो गई यहाँ पे, फिर आगे आप चेक करोगे बी, दूसरी इनपुट, दूसरी इनपुट अभी भी 0 है, तो 1 और 0 पे जो आउटपुट होते हैं दैट मीन 0। तो आपको क्लियर ग्राफ दिखाऊँ तो आउटपुट आप ऐसे ड्रॉ करते, ठीक है। ये भी ट्रुथ टेबल से ड्रॉ होता है, इज दैट सिंपल, राइट। अब एक क्वेश्चन जेई मेंस में भी आया था, तो इसमें हम मिक्स कर देते हैं। जैसे सपोज वी हैव दिस वन, यहाँ से एक पुटली और में दे दी, एंड सपोज ये हमने, और इसकी आउटपुट जो है हमने सपोज फर्दर इसमें दे दी। ये चार मैंने बेसिक गेट्स बताए, और अगर हम इसके आगे एक राउंड लगा दें यहाँ पर ये, तो ये नॉर हो जाता है, दैट बिकम्स नॉर। नॉर का मतलब जो भी आउटपुट आएगी उसका नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव मतलब रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो दिस इज नॉर और एंड। अब मैं अगर आपको कहूँ बताइए आउटपुट क्या होगी, ए और बी, ये आउटपुट सी है। खासकर क्वेश्चन आता है कि वो कहेगा 1 और 1 पे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, 1 1 देखो, इस 1 को, इसको भी 1 चल जानी है यहाँ से, बी अगर 1 है तो ये इसको मिल रही है, इसको भी 1 चल जाएगी। अब हम पहले एंड को चेक कर लेते हैं, 1 1 पे हमें पता है यहाँ कितनी आएगी 1, 1 1 और में भी कितनी आएगी 1, तो यहाँ 1 होगी, यहाँ 1 होगी। पहले आप इसको और समझ के सॉल्व करो, 1 1 होगी तो आउटपुट कितनी आती 1, लेकिन नॉर उसको उल्टा कर देगा तो आउटपुट विल बी 0, तो आपका आंसर होगा आउटपुट इज 0, राइट।
मैंने फास्ट इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि आपको अननेसेसरी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं उन टॉपिक्स पे जो आपको लगता है नहीं आते, बट 5-10 मिनट इस पर लगा सकते हो और 5-10 मिनट इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? तो एक क्वेश्चन अगर हमें मिल जाता है तो दैट विल बी गुड. गो एट, ऑल द बेस्ट.